सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
प्रसिद्ध वैष्णवी रूप नारायणी नमस्ते गृहोग्र महाजग्र दशादशवसुन्दरे वराह रूपिणी जिरे नारायणी नमस्ते नृसिंह रूपेण अग्रणाहन्तुं जत्याङ्गितोद्यमे त्रैलोक्यदान सहिते नारायणी नमस्ते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनाजले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमस्ते शिवज्योतिस्वरूपेण हतदत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्ते दशागरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मण्डवदने नारायणी नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महादित्य षड्जपुष्टि सदसदे महारात्रि महाविद्य नारायणी नमस्ते मेधे सरस्वती वरे भवति भावलितामसि नियते त्वं प्रसीदे च नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिणौ देवि दुर्गे देवि नमस्ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयलोचितान् पातुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्ते ज्वालाकरालमत्यग्रमशेषासुरसोदन त्रिशूलं पातु नो वीतिर्भद्रकाली नमस्ते हिनस्थितस्य देयांसि स्वनेनापूरिया जगत् स्वघण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुदानिव असुरासृगपदापङ्कजर्जितस्य करोज्वलः शुभाय खड्गो भवतु जन्यकेतान्नताभयम् रोगानशेषानपहांसितुष्टाम् रुष्टातुकामान् सकलानवेष्टान् त्वमाश्रितानाम्भिपाणराणाम् त्वमाश्रितायाश्रयदाम् प्रयान्ति एताग्रव्याकरणान् त्वयात्र धर्मादृशां देवि महासुराणाम् रूपेणैकैरभद्रात्मते कृत्वाम्बिकेतर्प्रकरोति गान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वार्थेषु वाक्येषु जगादन्या ममात्मकरचेति महान्धकारे बिभ्रामयज्ञे सददेवदेशम् रक्षांसि यत्राग्रविशाश्व नागा यत्रारयदस्युबलानि यत्र दावानलोचत्रदधासि मध्ये तत्र स्थितात्वां परिभाषिरेशम् विश्वेश्वरे त्वां परिभाषि विश्वम् विश्वात्मिकादारयसे दिवेशम् विश्वेश्वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाये दैवाग्निनम्रः देवी प्रसीदपरिपालयनारवीदे नित्यं यथा सुरभदा रसनैव सत्यः पापानि सर्वजगदां प्रशमानयास उत्पादपाकशमिताश्चमहापसर्गान् प्रणतानां प्रसीदतं देवि विश्वादिहारणि त्रैलोक्यवासिनामेव लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुर्गणां परं जन्मनये सद त्वं मृणत्वं प्रयश्यामि जगतामुपकारकम् देवाहोजुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भिविनाशनम् देव्यो वाच देवस्मृत्यन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भस्य उत्पसेते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोसागर्वसम्भवा ततस्थो नाशयिष्यामि पिण्डाचलनिवासने पुनरप्यधिरोद्रेण रूपेण पृथलीतले अवतीर्याहनिष्यामि कृपचित्तान् सदा नवान्
రక్తాదండాపవిశ్యంతి ధారణేక సమాపమా తథో మాం దేవతా స్వర్గే భర్తలోకే చ మానవా సోమందో వ్యాహరిష్యంతి తథ సంరక్తదంతికాం భూయశ్చనావృష్ట్యామలంబతి మునిభిః సంసృతా భూమ సంప్రవిశ్యామి యోనియా తథా శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామి జన్మని సదాక్షేమితి మాతమస్మవే వరిష్యామి రాజాగేరాదారగై శాకంబరీతి విఖ్యాతం తదాయాస్యామహం భవే తత్రైవ దీక్షామి దుర్గమాగ్రమహాసురా దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం ధర్మే నామ భవిష్యతి పునశ్చాహం యదా భీమం రూపం గీత్వా హిమాచలె రక్షాన్ని భక్షయిష్యామి మణీనాంసాని కారణాత్ తదా మామణి ఆదరే దోషం ధ్యానం రమోదయ భీమాచేదే విజ్ఞాతం తన్మే నామ భవిష్యతి జదారుణాజ్ఞ త్రైలోకే మహాభాగాం కరిష్యతి తదాహం రామరం రూపం గీత్వా సంగేయవదాం త్రైలోక్యశాయ వదిష్యామి మహాసరా బ్రాహ్మరీతే చ మహోగా తదా శోచంతి సర్వతః ఏతం జరాజరావాదా దానభూతా భవిష్యతి తదా తదా వదీయాహం కరిష్యామి సంశయా. ఓం सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन. आप सबका हार्दिक स्वागत. इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है. विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है. इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है. ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं. आरती की इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्तिभाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं. आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं. आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें. माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें. आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें. ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है. इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका क्षयफल होता है. विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है. यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही. जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है. वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है. धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है. वह आरोग्यता को प्राप्त होती है दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती. वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं. आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए. माँ भगवती आप
शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युद्धामर्जम प्रभां भजते छन्दसिदां भीषणां कन्या मधुकेटवनाशं च महिषाजगाधन कीर्तयिषन्द्रियेतद्वद्वदं शुम्भनजम्भयोः अष्टम्याञ्च चतुर्दश्च नवम्याञ्जेकचेतसः श्रोषन्ते देवदेवश्च मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दृश्यदङ्गं च दुष्कृतोदा न चापदः भविष्यति न धारे च नाचेशविजायन चतुर्थो न वयन्तस्य दस्य धोवानरायतः न शस्त्रानगतो योग कदा जयसं भविष्यति तस्मान् ममेदं महात्म्यं भवेदभ्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्य परं सज्जनमिदत् उपसर्गान् जयजान्त महामारे समद्भवान् तदा त्रिगदोत्पादं महात्म्यं शमये मम यत्रेतत्पठते सम्य नित्यमायाने मम सदा नादल्लि मोक्ष्यामि सा नित्यं तत्र मे ददाम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतचरितम् उच्चार्यञ्जाभ्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तदा कृताम् प्रतिशिष्याम्यहं प्रेता पत्नी होमं तदा कृताम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वर्षगे तस्यामेतन्माहत्वं श्रुत्वा भक्ते समन्विता सर्वा बाधा विषमं च धनधान्या सुधान्विता मनश्चो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहत्वं तदा चोत्पत्त्यः शिवा पराक्रमं च युद्धे जो जायते निर्मलापमान् हरिभवः सङ्ग्रयं जान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमाहात्म्यं शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदा दोषपुणदर्शने गृहपीडासु जोग्रासु माहात्म्यञ्जनया मम उपसर्गः च मं जान्ति गृहपीडाश्च दारुणा दोषपुणं जाति वरदश्च दोषपुणमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातवेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं वरम् रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वमेदं महात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पर्गधूपे च गन्धदीपे तदात्मने विप्राणां भोजने होमे प्रोचनीयम् अन्ये च विविधे लोके प्रदाने वत्सरे प्रीतिमे क्रियते तस्मिन् सर्वे सोचते सुरे श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सोचरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवारणं तस्मिन् श्रुते प्यारीकृतं वयं भुंसां न जायते युष्मामेतदयो याच ब्रह्मकृता ब्रह्मणा जागदासो भयजन्दे रामदे अरण्ये प्रान्तरे वारि दारण्ये परिवारितः दशविवाविदाजन्दे गृहेदोमापि यत्रे सिंहव्याघ्राणजातो वा वने भावनः स्त्रिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रप्तो मध्यो वन्दागतो विवाह आघोषितो वादेन तदा बोधे महानवे परशोचापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे रजदारणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यादितो विवा समर्मये सचरितं नरो मुच्येत सङ्गलात्
मम प्रभाव सिंहाजादस्योवेरिन सदा दुरादेव प्रलायन्ते सबलरचरितात्मनः ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिकाजन्मविक्रमा पश्यतामेव देवानां तस्य भाञ्जलधीयत तेऽपि देवानि राजङ्गत्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविनियतार्यः यथा च ते ग्राणे ते शम्य देवरिपायते जगदस्मिन् महाक्रेतुरविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमालयः एवं भगवती देवी सान्निध्याते पुनः पुनः सम्भूय गुरुदेवोपा जगतः परिपालन तैतन्मोयते विश्वं देव विश्वं प्रसूयते साजाजिता च विज्ञानं दृष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेत सकलं ब्रह्माधर्मयेश महाकाल्या महाकाले महामारे सर्वया सेवकाले महामारे देवदृष्टे महत्तया स्थितिकरोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले निर्णासेवा लक्ष्मीवृद्धे पदाग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीविनाशायोपजायते सुधा सम्भूयता पुष्ये धूपगन्धादिवेशदा ददातिवित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं जुहा अत्सिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीलापः शुभो भवेत् न कवचं न कला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूत्रं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं भवेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनीयमपालयति मारणं मोहनं वज्रं सम्बलजातनादिकम् पाठमात्रेण सन्देते कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये ॐ ग्लौं हौं क्लीं यं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये ज्वलहं संलं शङ्खर् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः केशवहारिण्ये नमस्ते महिषासने नमस्ते शम्भहन्ते च निशम्भासुरघातने जाग्रतमयी महादेवी जपं सिद्धं मृजमे ऋङ्गारे सृष्टिरूपाय ऋङ्गारे प्रतिपालिका क्लिङ्गारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते च एकारे वरदायने भित्ये चापयदा नित्य नमस्ते मन्त्ररूपिणे दाम्बीन्दुन्दुजरे पदने बाम्बीं भूपागलेश्वरी क्रान्तीं क्रोकालिका देवी शाञ्चीं श्रोमे जलं गुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्ये जं 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 वरादिने ब्राह्मीं ब्रूं भैरवेत्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं जं कं तं पं यं शं बिन्दुं ऐं भीं हं जं दिराग्रं दिराग्रं त्रोटय त्रोटय दीपं गुरु गुरु स्वाहा पां भीं पार्वते पूर्णा खां के घोङ्घे जरे तदा सां श्रीं सों सप्तदेव्या मन्त्रसिद्धिं गुरु समे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अवस्थेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं वडे न तस्य जायते सिद्धिरन्येयोदनं यथा अथ दुर्गायापद्धराष्टक नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिकेवेश्वरूपे नमस्ते जगन्मन्द्रपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी
Yeah.
Yeah.
प्रसिद्ध परमेश्वरी दुर्याद मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें देवी की कृपा से माँ का आशीर्वाद से इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मण कुल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का माँ भगवती वैष्णो देवी की विशेष कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जन श्रेधि संस्थते स्वर्गभर्गति देवी नारायणी नमस्ते। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले नारायणी आपके चरणों में हम सब भक्तों का नमस्कार है। जी सबके हृदय में जो है बुद्धि के विराजमान होकर के भक्तों का मार्गदर्शन करती है। ये देवी की जब कृपा होती है तो मनुष्य के हृदय में इसी प्रकार के सद्विचार उत्पन्न होते हैं। हम कुछ सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, तीर्थाटन करें, जप करें, पाठ करें, गंगा स्नान करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए चलें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जब माँ की कृपा होती है तो ही इस प्रकार के मनुष्य के हृदय में जो है सद्विचार उत्पन्न होते हैं। इसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए साधक जन सदा सर्वदा माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवती माँ सदा सर्वदा हमारे हृदय में आप परम कल्याणमय बुद्धि गुरु विराजमान होकर के हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, सर्वदा हम पर अपनी दयादृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो संसार के सभी मनुष्य जो है वास्तव में सभी जो है सुख चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं, परंतु वास्तविक सुख के लिए प्रयत्न नहीं करते। धन कमाने के लिए जो है मनुष्य कितनी श्रद्धा से कितनी लगन से जो है प्रयत्न करता है। यदि उतनी ही श्रद्धा से उतने ही प्रेम से इस माँ को यज्ञ को उस परमात्मा को रिझाने का प्रयत्न करें,
भगवान को प्रसन्न करने का प्रजनन करे तो ऐसी बात नहीं है कि भगवान का साक्षात्कार न हो जाए। उसी प्रकार से क्योंकि जे हृदय श्री सबके हृदय विराजमान है और सबके हृदय की जे जानती है। हम घर में बैठते हैं, मन विचार आते हैं, ऐसी बात नहीं, आप विचार करते हैं, माँ के हृदय विचार आता है, तभी तो आप जो है माँ के दरबार में आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कि जब भक्त जो माँ का याद करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, तो माँ भी उनका स्मरण करते, उन्हें याद करती हैं और बुलावा भेजती हैं, अपने दरबार में बुला लेती है। इसलिए माँ भी जो है अपने भक्तों को याद करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है सुख चाहते हैं, परंतु सुख के लिए जो है वह वास्तविक सुख के लिए वह प्रयत्न नहीं करता। हमें करना क्या है? संसार में आकर के मनुष्य जो है अब इस संसारिक मोह माया में फंस करके अब जो है कहीं देवालय में जाएगा, माँ के दरबार में भी आएगा, तो भी जो है कई प्रकार की परेशानी लेकर के घर परिवार में खूब धन आ जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला बन जाए, पुत्र हो जाए, बहू आ जाए, परपोत्र आ जाए, तो इस प्रकार से यही हमारी कामना रहती है। परंतु संसारिक जितने संबंध है, जितनी भी हमारी कामना है, ये यहीं पर सुख देने वाली, यहीं पर काम आने वाली है, इससे आगे नहीं। जो संयोग जो है यहीं पर प्राप्त होते हैं और यहीं पर अंत में फिर वियोग भी होता है, यही सब छूट जाता है। इसलिए प्रयत्न करना है कि हम जो ही प्रातः काल बतला रहा था कि आत्म शांति के लिए हम कुछ करते ही नहीं, धन प्राप्त के लगे हुए फिर भी शांति नहीं है, इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर जो है क्योंकि तृष्णा एक ऐसी है कि आदमी जो समाप्त हो जाता है परंतु तृष्णा समाप्त नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा भय में भी जीर्णा, व्यक्ति जो है बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण होते जर्जर अवस्था आ जाती है, परंतु तृष्णा वैसे की वैसी बनी है, उसमें नौजवान बना ही रहता है। इसलिए जिसको संतोष है वो ही जो है सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा है कि भगवान के लिए जो जितनी आप श्रद्धा से जो है आप धन एकत्रित करने के लिए, रुपये पैसे प्राप्त करने के लिए जो है प्रयत्न करते हैं, उतने प्रयत्न से यदि भगवान के लिए ये श्रद्धा होकर के भगवान का ध्यान किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए, तो इस प्रकार से श्रद्धा विश्वास एवं अतिशय प्रेम से जो है भगवान मिल जाते हैं, भगवान का साक्षात्कार हो जाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। चाहिए श्रद्धा विश्वास और प्रेम जो है, अपने इष्ट के प्रति जो है प्रेम, अतिशय प्रेम जो है, और श्रद्धा विश्वास। यदि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, अतिशय पापी जो है कहते हैं पापी और मूर्ख व्यक्ति भी जो है वह भी अपना कल्याण कर सकता है। अत्यंत पापी भी जो है अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। कैसे? जब सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से ये जगजन्य की शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं अपने अपराधों के लिए, जो अपराध हुए हैं उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, आगे के लिए ऐसे अपराध ना हो माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए ताकि मैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सकूं। योगी वैरमनाथ, जिस समय माँ ने योगी वैरमनाथ का शीश जो था काट दिया, और योगी वैरनाथ का शिष्य जहां से 2 किलोमीटर दूर भैरव नाम की घाटी है वहां पर गिरा हुआ है, और धड़ आपके सामने इस गुफा दर्भ गिरा हुआ है जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है, जिसके ऊपर से रेंगते हुए भक्तजन जो है माँ के दर्शनों के गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो समय योगी वैरनाथ जी ने अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए माँ से यही क्षमा प्रार्थना की थी कि माँ मैं पापी हूं, एक नहीं अनेक पाप मुझे हुए, मैं आपको पहचान नहीं सका, माँ मुझे क्षमा कीजिए, लोग मुझे किस दृष्टि देखेंगे, मुझे पापी कहेंगे, माँ मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। कहते उस समय मामा पुकारते हुए जब योगी वैरवनाथ जी ने माँ से क्षमा प्रार्थना की, तो माँ ने उस समय योगी वैरवनाथ से यही कहा था,
योगी वैरुनाथ आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा प्रार्थना की है, मैं तुझे क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ कि आने वाले समय जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे जाति भर वह तेरे भी दर्शन करेंगे तभी उनकी यात्रा सफल होगी। इसलिए इससे सिद्ध होता है बड़े से बड़ा पापी बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करता है तो उसका नया जन्म हो जाता है, उसका नया जन्म हो जाता है। जब ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं और उसका जीवन जब पवित्र हो जाता है वह दूसरों का भी अपना तो कल्याण उसका होता ही है परंतु दूसरों का भी कल्याण करने वाला हो जाते हैं। जैसे योगी भैरवनाथ के वहाँ भक्त जन जाते हैं भक्त जो है योगी भैरवनाथ जी को प्रणाम करते हैं वह भी कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनकी जो कई प्रकार की बाधा जो है वह दूर होती है, भूत प्रेत बाधा दूर होती है, कष्ट दूर होते हैं, दुखों का नाश होता है। इस प्रकार से जब बड़े से बड़ा पापी बड़े से बड़ा कुकर्मी भी सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए वह भी परम कल्याण को प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति आज ही जिसकी मृत्यु है और ऐसी परिस्थिति में यदि वह अपना कल्याण चाहता है तो आज भी अपना कल्याण कर सकता है। कैसे? भगवान ने कहा है यदि वह अंतिम समय में अंतिम श्वास में यदि मेरा नाम स्मरण करता है, अंत काल में जो है अंत समय में भगवान का नाम लेकर जो है वह अपने प्राण त्यागता है तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, भगवान कहते हुए मुझे ही प्राप्त होते हुए पर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, बस सदगति को प्राप्त होते हैं। अंत काले च मामेव सन्मुक्त्वा कलेवरम जा प्रजाति सब मद्भावम जाते नास्त्र संशय। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अंतिम श्वास में भी यदि जो मेरा स्मरण करते हैं वह जो है मुझे ही प्राप्त होते ही अंत काल में इस प्रकार से मेरा स्मरण करता हुआ जो अपना शरीर का जो त्याग करते हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। इसमें किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम तीर्थ करते तीर्थों में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, मंत्र में जाकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, घर परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, ये सब किस लिए? जो जो भक्ति करते हैं तब करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं और इस प्रकार से सद्गुणों के जो है संग्रह के लिए जो है हम इस प्रकार से उत्तम आचरण करते हैं कि हमारे अंदर सद्गुण आए। हम जब भी बड़ों को प्रणाम करेंगे अपने आप जो हमारे अंदर जो है सात्विक गुण की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आप निज बना लीजिए, प्रतिदिन प्रातः उठ करके जो है आप स्नान करते किसी भी कार्य के लिए जाते तो पहले माता पिता को प्रणाम करें और प्रणाम करके जब कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में पहली बात तो एक सौ सिद्धि मिलेगी, कोई बिगड़ नहीं आएंगे। दूसरा आपके अंदर जो है सत्व गुण की वृद्धि होगी। जिसके सत्व गुण की वृद्धि होती है उसकी बुद्धि बिल्कुल ठीक निर्णय करती है, कभी वो गलत निर्णय करती है, इसलिए उसको कभी कहीं क्रोध नहीं आएगा, कहीं लोभ भी नहीं होगा और इस प्रकार से वह बिल्कुल सुख शांति को प्राप्त होता है, उसका मन बिल्कुल शांत रहता है, अशांत नहीं होता। जो फल होते हैं जो जब हम सत्कर्म करते हैं जो पुण्य संग्रह करते हैं तो उसका जो फल होता है कि हमारा अंतकर्ण जो है अंतकर्ण शुद्ध होता है, अंतरात्मा शुद्ध होती है और उसका जो है परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार जो है वह प्राप्त होते ही। इस प्रकार से जिस साधना जो है साधना करने से ही आत्मा की शुद्धि होती है। जब आत्मा शुद्ध होगी तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपका जीवन जो है पवित्र होगा। जब जीवन पवित्र हो जाएगा फिर तो जीवन में कोई विघ्न बाधा आएगी नहीं, आपका परलोक भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए परलोक भी आपका जो है कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो है यही आत्म शांति जो है तभी प्राप्त होती है जब इस प्रकार की हम साधना करते हैं, उस परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करते हैं क्योंकि वह हृदयेश्वरी हमारे हृदय में विराजमान है। जब उसका हम स्मरण नहीं करते, उसका ध्यान नहीं करते हैं, उस आत्मा के लिए कभी सोचते ही नहीं है तो आत्मा शांत कैसे होगी? तभी तो कहते हैं कि जो है हमारे पास सब कुछ है परंतु आत्म शांति नहीं, आत्म शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आत्म शांति तभी होती है जब आप जीवन में संकल्प लें, ऐसा निजम ले लें कि जो है प्रतिदिन जो है
प्रातः काल उठ करके भगवान का स्मरण करना है, भगवान के नाम का जप करना है, जप में अद्भुत शक्ति होती है। नाम जब से ही पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी आप देवालय में जाते हैं, भगवान का स्मरण करते, भगवान को प्रणाम करते हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मैं भक्त प्रजश्यते तदहम भक्त हितमश्नामि प्रयतात्मना, कि जो पुष्प पत्र फल जल आदि जो है, जो भी श्रद्धा युद्ध होकर के मुझे अर्पित करता है, मैं उस भक्त की भेंट जो है स्वीकार करता हूँ, उसके प्रसाद को मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान जो है नोटों के भूखे नहीं है, भगवान तो देते हैं, सबको देते हैं। हम भी उसके पास मांगने के लिए आते हैं, बस सबको देती है, किसी प्रकार की कमी रहने नहीं देती, क्योंकि धन लक्ष्मी का अधिष्ठात्री देवी इस गुहा के अंदर विराजमान है, उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, तो जीवन में रिद्धि सिद्धि रहती है। भगवान जो है, भगवती जो है, वह हृदयेश्वर जो है, वह भाव के भूखे हैं। आपके भाव कैसा है, आपकी कैसी श्रद्धा अपने इस देव के प्रति जो है, बस यही देखते हैं। जो श्रद्धा युद्ध होकर के इस प्रकार पुष्प पत्र भी जो है अर्पित करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, उसको मैं, उस प्रसाद को मैं स्वीकार करता हूं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहे एक फूल ही हो। कहते हैं कि शबरी देखी, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु एक भाव था, और इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न उन्होंने किया शबरी ने। भगवान को ऐसे प्रसन्न किया कि भगवान स्वयं वहां पर आए चलकर के, और शबरी की सेवा स्वीकार की, उनके हाथों से बेर जो थे वह स्वीकार किए, प्रसाद खाते हैं। भगवान ग्रहण करते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे कहते हैं कि देखिए भगवान कहाँ खाते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, परंतु आपका ऐसा भाव होना चाहिए। शबरी ने जो है बेर जो है खिला करके भगवान को प्रसन्न किया। राजा रंती देव जी हुए, राजा रंती देव ने जो है जल पिला कर, पानी पिला करके भगवान को प्रसन्न कर दिया। ध्रुव भक्त ने जो है नाम जप, नारद ऋषि ने जो है उसे मंत्र दिया इसका जप करना, और नाम जप से ही जो है ध्रुव ने जो है भगवान का साक्षात कर लिया। धन्ना जज जो थे भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया, तो ऐसी बात नहीं। इसी प्रकार से जो है कहते हैं कि गज जो था उसने एक फूल से जो है भगवान को प्रसन्न कर दिया। तो भगवान जो भाव के भूखे हैं, वह आपके हृदय को देखते हैं, आपके हृदय में जो है कैसी भावना है। इसलिए भाव ग्रह जनार्दना, भगवान तो भाव को देखते हैं, इसलिए विवेक वैराग्य और निष्काम भाव से जो साधना जो करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, वह शीघ्र ही उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। वह इस संसार में सुख का भोग करता हुआ अंत में वह परम गति को, उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से साधना करने से, भगवान की आराधना करने से, नाम जप करने से, जिन नाम जब जो है अद्भुत शक्ति होती है इसमें जो है, इसलिए जितना आप जब करते चलते फिरते उठते बैठते भगवान का स्मरण करें, भगवती का स्मरण करें, कोई मंत्र ले लें, किसी एक मंत्र के द्वारा आप मां की साधना करते हैं, नाम जब करते आप रास्ते में आते हैं मां के दरबार में, तो सभी जो जय माता दी बोलते हुए जो नाम जब है, जो आ रहे हैं उनकी भी जिब्बा पर जय माता दी, और जो है जो जा रहे हैं मां के दर्शन करके वह भी इस प्रकार उनकी जिब्बा पर भी यही एक नाम है जय माता दी। कितना जप होता है 14 किलोमीटर में, अद्भुत जो है। और कहते हैं जब तीर्थ करना हो तो जब जो है तीर्थ में, एक तो पहली बात संयम, इंद्रिय संयम जो है, दूसरा जो है नाम जप, ये दो चीजें जो है जो जीवन में अपने उतार ले। कहीं भी आप देवालय मंदिर में जाते हैं, बात थोड़ी देर बैठे नाम जप करें, फिर अपने कार्य के लिए आप चले जाइए, देखिए आपके जीवन कैसे परिवर्तन आते हैं, और आपके जो भी मनोवलक्षित कामना होगी माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, वह सब पूर्ण होगी। ये बड़ा महत्व होता है नाम जप का जो है, इसलिए कोई एक मंत्र ले लें तो तीर्थ पर जब भी जाएं, कि क्योंकि तीर्थ पे बैठ करके आप जो चाहे थोड़ी देर के लिए एक माला जप करते हैं, तो एक माला जप जो करते हैं उसका कहते हैं सदगुणा फल होता है, 100 गुना।
सौ गुना फल होता है एक मालव यदि आप करते हैं तो उसका कितना उसका फल होता है, फिर पूरे रास्ते जब जप करते चलेंगे तो कितना जप होगा। तो कहते हैं कि नाम जप करता हुआ जब साधक जो है जितने पल चलते हैं उतने ही उसे अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है, इतना लाभ होता है तीर्थ यात्रा करते हुए नाम जप करने का। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी माँ भगवती के बीच मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। जब मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र साक्षात माँ भगवती के स्वरूप ही, इस मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में ध्यान कर करके और इस प्रकार से अपने जीवन में ऐसा निजम ले लेते हैं कि प्रातःकाल सायंकाल मंत्र की एक माला जब अवश्य करनी चाहिए, और फिर जब विशेष दिन होते हैं अष्टमी नवमी चतुर्दशी और नवरात्र के दिन होते हैं विशेष शक्ति पूजन के, तो उसमें जो जितना इस मंत्र का जप कर सके उसका जप करना चाहिए। ये अद्भुत मंत्र है और जिससे इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति होती है, शरीर की शक्ति, मनुष्य का शरीर जो तंदुरुस्त निरोगी जीवन जो आपको प्राप्त होगा इस मंत्र का जप करने से, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती होगी, ज्ञान शक्ति की प्राप्ति होती होगी। इस तरह से शारीरिक शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति होती है इस मंत्र के द्वारा माँ की साधना करने से। तो सब इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे दृढ़ार की जय। तभी भजन की बेला है, निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपाल जी मां के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सम्मिल को बोलना ताली बजाते हुए। ये आरती की बेला है और जहाँ पर मां के दरबार में मां को प्रसन्न करने के लिए मां भगवती की स्तोत्र द्वारा स्तुति की जाती है, मां भगवती के नाम का गुणगान किए जाते हैं, भजन किए जाते हैं कि मां को प्रसन्न करने के लिए मां किसी तरह से प्रसन्न हो जाए और जगजन्य जगत माता का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो आप सभी भक्ति भाव से जो है आप भजनों के द्वारा माँ को प्रसन्न करेंगे और माँ प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दें, और आप जो भी मन की कामना लेकर के माँ के दरबार में आए हैं माँ भगवती आपकी उन मनोकामना को पूर्ण करें और सर्वत्र आपका कल्याण करें। श्री जयपाल जी जय कर। दिल Thank you.
Shut up.
Get up on
Oh, God.
बंधक कंचन मम रुचिराक्ष माला पाशा पशाच वरदान निज बाहु दंडे विभ्रनमेन्दु शकल वरणं त्रिनेत्र अर्धांबिकेश मनीष बपुर श्रयामी सच्य ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्त जनों के संकल्प की आरती में ही माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परमवित्र वेला में और विशेष से आज एकादशी के दिन माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परमवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतति भाने भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भाने भवे भूरि भूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य गर्भ दलने व्यापार दक्ष भवे श्री सुंदर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रु नाम बुद्धि नाशस्त मित्र नाम देश शरीर वर्चस आय समारोह्यमाविदात् शुभमानम् हीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से सम्मानित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय जा माता
Yo, Sarvananda, Dhyana,
खड्गं चक्र गणेश शूलं शिलां करेण सर्वांगभूषा विरांगीलाशकां देवे महाकालिकां सविदेवरो कमलजो हन्तं मधुं केतुं अच्छाकलेशुकुलिशं पदमं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमशिम्ब चरम जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पादुदर्शने चतुर्थि हस्ते प्रसन्नायनां देवे लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टा शूलहराजचण्डकुशले चक्रं धनुसायकं आशादेतपिङ्गलान्तविलस शीतात् दुर्गाप्रभां गौरी देव समस्तभां विलकता महाराजभूतामहा पूर्वा वक्र सरस्वते मनवरे शुम्भादिवेत्तायिनी त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव वन्दोजुलका त्वमेव त्वमेव विद्या जयदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं परमानं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवनं सर्वलोकैकनाथं प्रस्तुतं केशवं राम नारायणं श्रीधरं माधवं भक्तिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरां चन्द्रं भजे हरे मुरारे हरे कुमारे गोविन्द गोपाल मत्किशोरे ध्यानं पदेहि शरणं पदेहि विद्या पदेहि भगवन् नमोऽस्तुते सत्या ज्योता भागी माता तेरी सदा पञ्चफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला चरण भागी माता तेरी सदा सारे संसार विश्वास गुलाचका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा शराबी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय दुर्गे स्मिता धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का धर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव गुरु बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मनोकामना पूरी हो जकारा शरण वाली जा